एट नाइन और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आखिर देश में क्या हो रहा है, क्यों हर ओर बवाल मचा हुआ है? ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल हर एक शख्स का है जो देश में रहता है, देश के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना सही। भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 2 FIR में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत 32 लोगों का नाम शामिल किया गया। इसमें यति नरसिंहानंद का भी नाम शामिल है और इसके अलावा नुपुर शर्मा का भी नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस ने माहौल खराब करने के मामले में जो FIR दर्ज की है, उस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी कर उनसे जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही एक अपील भी की है कि ऐसे पोस्ट से बचा जाए जिससे माहौल खराब हो सकता है। वहीं महिला कार्यकर्ता AIMIM की, उसे भी हिरासत में लिया गया। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान, यही से इस पूरे बवाल की जड़ शुरू होती है। नुपुर शर्मा अब बीजेपी में नहीं है, बीजेपी से निष्कासित कर दी गई है, लेकिन जब वो बीजेपी में थी तब वो बयान देती है पैगंबर मोहम्मद पर, विवादित टिप्पणी करती है जिसके विरोध में चारों ओर हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है। कानपुर उदाहरण है, कानपुर में ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई है और मूल जड़ यही बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से गलत है। विदेशों से भी इस पूरे मामले पर टीका टिप्पणी की जा रही है। विपक्ष तो बहुत अच्छे से टीका टिप्पणी इस पर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज एक और वीडियो सामने आया। उस वीडियो में 3 जो फकीर हैं, अगर मैं आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करूं तो जो भिखारी होते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, वही फकीर गोंडा में एक गांव में पहुंचे थे। वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में उन फकीरों से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि गोंडा को भी कानपुर बनाने के लिए तीनों आए हैं। एक युवक वायरल हो रहा है, उसके बाद उठक बैठक लगवाई जाती है और उनकी बेदखली कर दी जाती है। तमाम तस्वीरें आज वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। अब जरा सी चिंगारी भड़काओ, आग खुद ब खुद लग जाती है। लेकिन वो चिंगारी आखिर कौन भड़का रहा, आखिर क्या हो रहा है देश में, सबसे बड़ा सवाल यही है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हम विपक्ष से भी करेंगे और सत्ता पक्ष से तो सबसे पहले करेंगे। बीजेपी से डॉक्टर इंदिरा ज्योति हमारे साथ जुड़े हैं और सपा से हमारे साथ शिल्पी चौधरी मैम हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। इंदिरा जी, देश में क्या हो रहा है, देश का क्या माहौल है, देश में हिंदू मुसलमान क्या हो रहा है, क्या नुपुर शर्मा के भाषण के बाद से ही देश में हिंदू मुसलमानों में उबाल आया है और सोशल मीडिया पर चिंगारी के बाद आग भड़क गई है, यही सच है? जी हेलो, आवाज आ रही है इंदिरा जी मेरी? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। इंदिरा जी, देश में आखिर क्या चल रहा है, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, अजीब अजीब से पोस्ट किए जा रहे हैं। एक टेलीविजन स्क्रीन पर आपको वीडियो भी दिख रहा होगा, गोंडा का ये वीडियो है, खूब वायरल हुआ है। 3 फकीर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, उठक बैठक करवाई जा रही है, कहा जा रहा है कि कानपुर हिंसा के आप जिम्मेदार हैं, आप यहां से भाग जाइए, चले जाइए, क्योंकि वो मुसलमान है। क्यों कानपुर जल रहा है, क्या पूरे देश को जलाने की चाहत है? नहीं, कोई देश को जलाने की चाहत नहीं है, सच्चाई बताया जा रहा है। और जो अभी नुपुर शर्मा जी की बात हो रही थी, नुपुर जी ने अगर कोई कुछ बोला है तो कुछ अमर्यादित नहीं बोला है। उन्होंने जो कहा वो उन्होंने बिल्कुल जो उनके कुरान के आयात में लिखा है उसी बात को उन्होंने टीवी डिबेट पर बोला, जिसका इतना ज्यादा होल्डर बनाया गया। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन उस बयान की वजह से कानपुर में जो हाल हुआ है क्या वो सही है, और कानपुर के अलावा जो दिल्ली में हो रहा है क्या वो सही है? अब पत्थर फेंकने की आदत इनकी शुरू से है। हमारे अगर कोई देवी देवताओं का कोई जुलूस निकल रहा है उस पर इन लोगों को पत्थर फेंकना, नारेबाजी करना, और हम लोग हिंदुओं को कब तक, आखिर तुष्टीकरण की राजनीति 2013 तक थी, वही आदत इनका बना हुआ है। अब हिंदू, कोई भी हिंदू हो, चाहे हमारे सामने मैडम बैठी है वो भी हिंदू है, तो हिंदुओं को इस प्रकार
दबाया जा रहा है, पहले भी दबाया अच्छा, जाता था। पत्थर पत्थर जो है वो सिर्फ मुस्लिम ने फेंके, उसमें एक भी हिंदू नहीं था। पत्थर जो फेंके गए आपस मुसलमानों में ही फेंके जा रहे थे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर पत्थर फेंक रहा था, ये जरा क्लियर कर दीजिए। मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि ऐसे मेरे से भी सवाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या वो मुसलमान था और मुसलमान पर ही पत्थर फेंक रहा था, क्या हिंदू एक भी नहीं था वहां पर? इनके बीच में सिया सुन्नी की भी तो लड़ाई होती रहती है, इनके बीच में सिया और सुनियों के बीच भी लड़ाई होती रहती है। अच्छा, ये तो सिया और लड़ाई झगड़ा फरसाद, लड़ाई झगड़ा फरसाद, इन लोगों को मदरसा में ट्रेनिंग दी जाती है लड़ाई झगड़ा फरसाद करने का, पत्थर फेंकने का, गोली चलाने का, बम बनाने का, ये सारी ट्रेनिंग इनके मदरसे में दी जाती है। क्या बात है, ठीक है, सिया सुन्नी की लड़ाई थी, आपने तो एंगल ही अलग कर दिया कि सिया और सुन्नी की लड़ाई थी और उसके बाद, तो फिर सोशल मीडिया पर हिंदू क्यों भड़काव हो रहे हैं? जब सिया सुन्नी की लड़ाई थी तो सोशल मीडिया पर हिंदू को तो भड़काव होना ही नहीं चाहिए, आपस की लड़ाई है, आपस में सुलझा लेंगे, पारिवारिक मसला है उनका जैसे दो भाइयों में होता है। आपस में जब पथराव हो रहा था उस वक्त कुछ हिंदुओं को भी पत्थर से चोट लगा वहां पे, अच्छा पब्लिकली पत्थर पार्टी हो रही थी, वो सिया सुन्नी भगवा गमछा ओढ़ के आए थे। मैं सिया सुन्नी की बात, आपने कहा कि आपस में इन लोगों की लड़ाई, आपस का कोई झगड़ा, इन लोगों का आपस का कोई विवाद होगा, आपस का कोई मौलवियों में आपस में विवाद होगा, हो सकता है। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि हमारे देश में गलत हो रहा है, ये आप भी मान लीजिए कि देश में गलत हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, विदेशों से टिप्पणी आ रही है, शिल्पी जी मैं गलत हूं? मेरे सवाल नहीं है, आम जनता के सवाल है, ये मत सोचिएगा कि मेरे सवाल है, मेरा काम है सिर्फ जो अजनता के सवाल है वो आप लोगों से पूछना। नहीं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं और मुझे बहुत अफसोस है कि नूपुर शर्मा जी के बाद अब इंद्रजीत जी भी इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, देश को बांटने की बातें जो कर रहे हैं। यहाँ कृपया करके हिंदू या मुसलमान की बात ना करिए, जब दंगे होते हैं, जब झगड़े होते हैं तो केवल मुसलमान ही नहीं मारते हैं, हिंदू भी मारते हैं। और उस दिन की वीडियो क्लिपेज में बहुत सारे भगवा गमछे वाले लोग भी थे और पुलिस के लोग पत्थर चला रहे थे, पुलिस के जवान पत्थर, सीआरपीएफ के जवान पत्थर चला रहे थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं इंद्रजीत जी, क्या आपको अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली हैं? दुनिया भर से इतनी थूतू होने के बाद भी जब हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ इतना दुर्व्यवहार विदेशों में हो रहा है, क्या हिम्मत है आपकी कि ये कह सके ये गलत हो रहा है? पूरी दुनिया किनको मानती है, किनको मानती है? सब अपने अपने आराध्य को मानते हैं, सब अपने अपने उतनी ही बड़ी दुनिया है क्या? अरे आप लोग ही तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है सबका विश्वास, आप लोग ही तो कहते हैं ना सर, जिस तरीके के काम कर रहे हैं अपने भारत, नूपुर शर्मा को पूरे विश्व को इसलिए पार्टी से निष्कासित कर दिया ताकि जो छवि बनाई है वो खराब ना हो मुस्लिमों की नजरों में, क्योंकि 2024 का भी चुनाव भी बाकी है। और अभी आप लोगों की इन्हीं गतिविधियों के कारण मध्य प्रदेश में एक जैन व्यक्ति की हत्या कर दी गई पीट पीट कर, सिर्फ मुसलमान होने के शक में, क्योंकि उसके दाढ़ी थी। आप किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं? आप अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझना चाहते और आप कह रहे हैं पूरी दुनिया किनको मानती थी, किनको मानती है? आप ये बताइए आपके देश में क्या हो रहा है, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां क्या हो रहा है, क्यों देश हमारा आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं आगे बढ़ रहा है, देश सर शर्म से झुक गया है, झूठ बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, थूतू हुई है थूतू, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री करना पड़ा प्रधानमंत्री महोदय को भाषण देना पड़ा है आके कि आप जैसे फ्रिंज एलिमेंट अपनी हरकतों से बाहर जाएं, आप अपनी पार्टी लाइन से भी बाहर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी डिसओबे एलिमेंट पीछे लगाकर के बैठे हैं, तमीज में रहिए तमीज में, बदतमीजी करेंगे तो आपको जवाब दूंगी मैं, बहुत अच्छा, बदतमीजी नहीं समझ रहे हैं मैम, रहिए बिल्कुल मैम और सर, फ्रिंज एलिमेंट सर बदतमीजी नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, क्योंकि ये देश की बात है, हमारे आपस की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, मेरी आपकी या शिल्पी मैडम की बात नहीं है, क्या ये पर्सनल नहीं होंगे तो और क्या होंगे इनके पास? नहीं नहीं पर्सनल पर्सनल नहीं पर्सनल नहीं, निजी मामला नहीं है, देश का मामला है, देश के लिए सोचना है, देश का फ्यूचर, हम सोशल मीडिया पर, बच्चे सोशल मीडिया पर है, बच्चे क्या सीखेंगे?
सोशल मीडिया पर बच्चे कैसे पत्थर चलाना है? ये अपने मोहल्लों में जो लड़ाइयां करते थे, इन्होंने देश में वो लड़ाइयां फैला दी हैं। मैम लेकिन सपा भी कहां कुछ बोल रही है, सपा भी तो चुप है इस पूरे मामले पर। क्यों कहां से चुप है सपा? सपा अपना स्टैंड ले रही है, सपा इनके साथ थोड़ी ना खड़ी है। अरे इनके साथ क्यों खड़ी होगी, जब आप विपक्ष में तो आप इनके साथ क्यों खड़े होंगे? हम विपक्ष में हो या ना हो, इस तरीके की हरकतें समाजवादी पार्टी के शासन में कभी नहीं हुई जो ये करा रहे हैं। दंगे देख लीजिए कि प्रधानमंत्री का कितना सर ऊंचा हो रहा है, कूड़े घर पे फोटो लग गई है प्रधानमंत्री की, जूते के समय शर्म आती है मुझे ये कहने में। और इन लोगों की करतूते हैं, इनके जैसे प्रवक्ता जो आके बैठते हैं टीवी चैनल्स पे और आग लगाते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा है कि आप लोग डिबेट्स में ना जाएं, प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा है अपनी पार्टी से। ठीक है, पर्सनल आप भी ना जाएं, पर्सनल सर आप भी मत होइए। अरे मैं पर्सनल कहाँ हो रही है, जो आपका विषय है मैं उस पे बता रही हूँ। ठीक है, पर्सनल हमारी पार्टी से ये नहीं, हमारी पार्टी से ऐसा कोई आदेश नहीं आया। इनकी पार्टी में क्यों आया इस तरीके का आदेश, इनको अपने मुंह पे लगा। ये तो यही जाने ना कि पार्टी ने क्यों आदेश ऐसा जारी किया। जबान पे लगाम हो तब तो, जबान पे लगाम ही नहीं है, कुछ भी बैठ के कहीं भी कुछ भी कहने लगेंगे। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही है कि हमारा देश बार बार आए करनी है, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करनी है और कोई दूसरा काम इनके पास नहीं है। कोई जनता के मुद्दे पे लेकर ये लोग बात करते हैं? इंदिरा जी बोलिए जी। अभी जो मैडम कह रही थी कि देश का ऐसा माहौल बन गया, वैसा माहौल बन गया, पूरे विदेश तक हम लोगों की देश की बदनामी हो रही है, तो अतीत में झांक कर देखिए ये बीज किसका बोया हुआ है, बीज किसका बोया हुआ है। आप भी वही करेंगे, पुष्टिकरण की राजनीति भी आप ही लगा रहे हैं। क्या बदला है 8 साल में, आपने देश को बदहाल कर दिया है। आप बेकार की बातें करते हैं, देश में ये हालात कभी नहीं थे 2014 में। इस पर क्या कहेंगे? और ये पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जहां पर जबरन फकीरों से, मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। क्यों, जब आप अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते तो फिर आप जबरन जय श्री राम का नारा क्यों लगवा सकते हैं? जब यहां से फतवा जारी होता है कि नुपुर शर्मा को जो मारेगा उसको इतना करोड़ रुपया दिया जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्शन लीजिए ना सरकार, अभी व्यक्ति की आजादी छीन ली है, कोई अपनी संविधान के आयात में हमारे आराध्य भगवान शंकर, हमारे आराध्य भगवान शंकर ब्रह्मदेव बताया जा रहा है, उन्होंने ये बात लिखा हुआ है, उन्होंने अपने ब्रह्मदेव की आजादी नहीं दी है। जब प्री प्लानिंग थी तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? पहले से प्लानिंग थी, पत्थर इकट्ठा थे, ठेले पे पत्थर रखे थे, इमारतों पे पत्थर रखे थे, जब आपको पता था तो हिंसा कैसे भड़क गई, कैसे भड़कने दी आपने? आपकी सरकार है केंद्र में, आप प्रदेश में, आप और प्रदेश में तो सरकार ऐसी बहवाई। मैं ये नहीं कह रही कि योगी सरकार काम नहीं कर रही है, योगी सरकार बेहतर काम कर रही है, अपराधियों पर नकेल भी कस रही है, लेकिन वहां कानपुर में इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया सर? जो भी गलत करेगा या गलत कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से की जाएगी, इसमें यह नहीं बख्शा जाएगा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी कहते हैं कि हम जामा मस्जिद जाएंगे धार्मिक किताबें लेकर, क्यों? और दंगा भड़काने के लिए, और लोगों को उकसाने के लिए, मामले को शांत करने की जरूरत है या मामले को भड़काने की जरूरत है? अभी अपने कुरान लेकर के हमारे मंदिर में आइए, किसने मना किया? कोई धार्मिक किताब लेकर क्या आपके जामा मस्जिद में चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं तो अभी क्यों जाना है सर, पहले भी जा सकते थे, बाद में भी जा सकते हैं। अभी पहले भी हो सकता है, गए होंगे वो सर, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। आग में घी नहीं डालना सर,
पानी डालना है, आग को बुझाना है। हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे भविष्य है, नाबालिग जो बच्चे हैं, उनका माइंडसेट टेक्नोलॉजी साइंस की तरफ, ना कि पत्थरबाज बनने की तरफ बढ़ाना है। सर, सोशल मीडिया पर सब देखते हैं आजकल नाबालिग के हाथों में मोबाइल है, आपने टेक्नोलॉजी को इतने आगे पहुंचा दिया है। ट्विटर पर लोग हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। मैडम, 8 साल में हमारे सभी स्टेट में एम्स खोला गया, हर स्टेट में IIT जैसे प्रतिष्ठान। ये तो मैं कह रही हूँ कि आपने काम नहीं किया। मैंने कब कहा कि आपने काम नहीं किया? मैं तो कह रही हूँ कि काम किया है, अच्छा काम किया है। जहाँ अच्छा काम किया है, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो गलत है सर, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, असामाजिक तत्व जो इनके पत्थर फेंक रहे हैं, कोई अगर पत्थर फेंकेगा तो आपके ऊपर कोई टूट थोड़ी फेंकेगा। निकाल के बाहर फेंक दीजिए ना सर, अगर असामाजिक तत्व है तो। राम मोहन की रैली में जा रहे हैं दिल्ली में, झांकीपुरी में घटना, वो किसने कराया? सिचुएशन आने क्यों देते हैं सर? निकाल के बाहर फेंक दीजिए ना ऐसे असामाजिक तत्वों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, निकाल के बाहर फेंकिए। फेंका जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कहाँ सर, जो भी मिलते हैं उनका। हम लोगों से लीजिए ना पत्ते, हम लोग आपको पत्ते देते हैं। शिल्पी जी कुछ कह रही है, सीतापुर का, सीतापुर का वो हिंदू संत अभी तक पकड़ा गया जो वहां पर मस्जिद के सामने जाकर गालियां दे रहा था, भद्दी भद्दी गालियां, और कह रहा था मुसलमानों की औरतों को उठाकर मैं बलात्कार करूंगा। अभी तक गिरफ्तार किया क्या योगी सरकार ने उसे? आप हमसे लीजिए लिस्ट, हम आपको लिस्ट देते हैं, करेंगे कार्रवाई। ऐसे बहुत सारे कारनामे जो पहले भी हुए हैं और वो भी रहे हैं। अभी की बात करिए आप, सुशांत मोदी जी के आने के बाद तो ये सब कारनामे बंद हो गए। मोदी जी आज तो हमारे मंदिरों के पास बाहर आकर के LIU आपकी क्या करती रहती? हम कह रहे हैं हमसे आप लिस्ट लीजिए, अपनी LIU से पूछिए कि ये पत्थर कैसे लोगों के पास इकट्ठे होते हैं, क्या कर रही है LIU? क्यों आपका फेलियर है इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर पे? LIU से जवाब क्यों नहीं ले रहे हैं आप? देखिए मौका दे दिया, सारे अपराधी मौका दे दिया, जिस मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर आपने सपा को लगातार घेरा, आज सपा को मौका मिल गया है कानपुर पे आपको घेरने का, कानपुर, और आज नहीं बहुत पहले भी कानपुर में मिला है विकास दुबे के कान पर। कानपुर के बाद आगरा, कानपुर के बाद आगरा में भी यही हुआ, और उसके बाद गोंडा, लगातार ये घटनाएं। मौका मिल गया ना, अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए सर, मौका मिल गया ना सपा को बोलने का, प्रदेश छोड़कर अपराधी भाग रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये गुजरात से आ रहे हैं क्या? ये गुजरात वाले हैं तो इनको गुजरात में छोड़ करके बाकी जो बड़े लेवल पर अपराध होते हैं वो सब बंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अरे ये घटनाएं क्यों हो रही हैं उत्तर प्रदेश? हमारे माननीय योगी जी, जवाब दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम सच तो यही है, क्लिप चल रही है, सच तो यही है, क्लिप चल रही है, सच यही है कि हम जो माफिया हैं उन पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से उन एक्शन पर रिएक्शन की ज्यादा तैयारी होती है। हम पत्थरबाजों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरबाजों के हाथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि पत्थर का जवाब ईंट से दो। फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया सर? क्या फर्क है फिर? ऐसे तो अशांति रहेगी, शांति फैल ही नहीं सकती। फिर जम्मू कश्मीर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है सर। ठीक है, आपकी सरकार नहीं है वहां पर, वहां पर आपकी सरकार नहीं है, मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए पहले, आपकी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, CBI तो आपके अंदर है सर, CBI तो आपके अंडर है ना सर, हमारे माननीय गृह मंत्री जी कैसे वाले को पाकिस्तान से हथियार आ जाते हैं पंजाब में, लेकिन कानो कान केंद्र सरकार को खबर नहीं होती, और बहुत जल्दी सिद्धू मूसे वाले के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए सर। पकड़ा तो सबको जाएगा, पकड़ा तो सबको जाएगा, जो नहीं पता है वो बताइए, जो नहीं पता है वो बताइए, ये सब पकड़ा तो जाएगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपने मौका दे दिया है सपा को बोलने का और विपक्ष को बैठे बिठाए मुंह खोलने का, ये सच है, आपने मौका दिया है। आप जो मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर लगातार इनकी टांग खींचते थे, आज ये आपकी टांग खींच रहे हैं, आपने मौका दिया,
क्योंकि पहले से पता था एकदम से पत्थर इतने इकट्ठा नहीं हो सकते, ठेला नहीं भर सकता, इमारतों में लोग जाकर नहीं खड़े हो सकते इतने मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर लेकर। एक मिनट में चीजें नहीं होती सर, ये प्लानिंग के साथ होती है। कौन करा रहा है बता दीजिए, आपको पता है मैडम, पहले भी होता था। आप बताइए ना, पहले आप बता दीजिए, आप अगर आपको पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हैं उसके ऊपर? अरे हम क्यों खंभा नोचेंगे, आपको सब पता है तो आप कार्रवाई कराइए ना, कितना इंतजार कर रहे हैं? बंदे हो रहे हैं और पत्थरबाजी हो रही है, बहुत प्रायोजित ढंग से करवाया जा रहा है। अच्छा सपा करवा रही है दंगे, समाजवादी पार्टी करवा रही है दंगे। क्या बात है, क्या बात है, देखिए बहुत बढ़िया हंस लेती है मैडम आप। क्यों नहीं हंसेंगे भाई, आपकी तरह थोड़ी ना है, हमको हंसना आता है, हंस रहे हैं आपकी मूर्खतापूर्ण जवाब पर हम हंसेंगे ही। आपको सब कुछ पता है, आपकी दूसरी बार सरकार है, कुछ भी आपको नहीं पता है, LIU आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी देखिए व्यक्तिगत थप्पड़ देंगे आपके दो दो आपकी हरी हो जाएगी। शिल्पी जी नहीं आया, शिल्पी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, शिल्पी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं शिल्पी जी बिल्कुल भी नहीं, शिल्पी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ये नहीं गलत बात है, आप पर्सनल टिप्पणी और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। शिल्पी जी की आवाज खोलिएगा, शिल्पी जी बहुत गलत है ये, आप इस तरह से इस आदमी से कहिए नहीं, नहीं 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 शिल्पी जी, शिल्पी जी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने गलत बिल्कुल शब्द इस्तेमाल किए हैं। उसने कहा ये तो ये कौन कहता है, चुप रहो बकवास, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, आप लोगों के कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, ठीक है बस मुझे चर्चा को यही खत्म करना है, क्योंकि आप लोगों के शब्द अब गलत जा रहे हैं जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के विरोध में AIMIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी उन पर FIR दर्ज हुई है, इसके अलावा 32 और पर FIR दर्ज हुई है। लगातार अपडेट इस पूरे मामले पर बना हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह का विवादित बयान दिया गया तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, और अगर की गई तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और एक्शन अब लिया गया है तो आखिर फिर गलती कहां हो रही है? कानपुर कांड हुआ, आगे आज दिल्ली में भी बवाल हुआ है, आगे और कौन सा शहर, बहुत बड़ा सवाल है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, इस आग को रोकने वाला कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हर कोई कर रहा है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।